अब विकास जैक्सन का ऐसा है कि वो भाई तो यार तुम्हें पता ही है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बंदा है, वो कहीं ना कहीं मेरे को बाहर मिल जाएगा। अच्छा भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर आप 1 महीने का 1 करोड़ रुपए कमा लोगे कभी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आज हम बात करेंगे सौरभ जोशी ब्लॉग्स के चैनल के बारे में। भाई इंडिया का सबसे नंबर 1 ब्लॉगिंग चैनल है सौरभ जोशी ब्लॉग, जो कि 1 करोड़ रुपए 1 महीने का अर्न करता है सिर्फ एडसेंस की अर्निंग से। नो स्पॉन्सरशिप यहाँ पे इंक्लूड है, ना यहाँ पर कोई पेड प्रमोशन स्पॉन्सरशिप यहाँ पे कोई भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एडसेंस की जो अर्निंग बता रहा हूँ वो 1 करोड़ रुपए नेट 1 महीने का है और साल का 12 करोड़ रुपए। ये थोड़ा ऊपर नीचे करके अगर हम लगाएं तो 10 करोड़ रुपए 1 साल का कमा लेता है। और उसका जो आर्ट वाला चैनल है सौरभ जोशी आर्ट वाला, उससे वो अलग कमाता है पैसे। लेकिन गाइस आज टॉपिक ये है कि यार कुछ गिने चुने लोगों को ही क्यों पैसा मिलता है, कुछ गिने चुने लोग ही क्यों अमीर हो जाते हैं, बोलने का मतलब ये है। लेकिन गाइस यहाँ पर सिंपल सा फंडा ये है कि जो पैसे को संभालना जानता है, जो पैसे का सही ढंग से प्रयोग करना जानता है, उसी के पास वो लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी वहीं वास करना ज़्यादा पसंद करती है, जो सही बात है। अब मैं बात करूंगा कि सौरभ जोशी ब्लॉग्स 1 करोड़ रुपए 1 महीने का कमाता है, लेकिन आपने उसके अंदर कोई ऐसा देखा कि यार ये बंदा 1 करोड़ रुपए कमाता होगा? मैं उसके गांव के दूसरे गांव में रहता हूं, लेकिन आज तक गांव में ये पता नहीं है कि वो बंदा इतना पैसा कमाता है यूट्यूब से, किसी को पता नहीं है। लेकिन उसने आज तक कहीं पर अपने दोस्तों तक नहीं बताया कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ यूट्यूब से, क्योंकि वो अपनी मेहनत कर रहा है, सिर्फ अपनी मेहनत पे, अपना कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, अपने कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। वो ये सोच रहा है कि मेरे को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है अपने कंटेंट को। उसने कभी पैसे की तरफ देखा ही नहीं है, उसके लिए करोड़ रुपये भी कुछ नहीं है। तो गाइस मेरा बोलने का सिर्फ एक ही मतलब है कि मैंने उसके जितने भी ब्लॉग्स देखे हैं वहाँ पर आपको कहीं से भी नहीं पता लगेगा कि ये बंदा 1 करोड़ रुपए महीने का कमाता होगा। यार 1 करोड़ रुपए बहुत होते हैं मेरे भाई, 1 करोड़ रुपए की अगर आप कोठी देखोगे तो आप देखते रह जाओगे। तो बोलने का मतलब सिर्फ मेरा इतना ही था कि भाई अगर आप ब्लॉग्स बनाते हैं जैसे मैं बनाता हूँ तो अपना रेगुलर कॉन्टेंट डालते रहो। अगर कॉन्टेंट डालना आपने बंद कर दिया तो आपके व्यूज़ आने बंद हो जाएंगे, 2-4 जो भी आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे आने। तो अपने कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करो, अपने जो तुम्हारी वीडियोस है उसको और अच्छा बनाओ, अपनी जो तुम्हारी वॉइस क्वालिटी है, जो मैंने माइक लगा रखा है, कुछ दिन मैंने दूसरे वाले माइक से किया था, वो हेडफोन वाले से, तो उससे ज़्यादा अच्छी वॉइस नहीं जा रही थी, फिर मैंने ये वाला माइक मंगाया, अब मैं इससे तुम्हें वीडियोज़ बना के दे रहा हूँ तो इससे और अच्छी क्वालिटी आ रही है। तो इम्प्रूव करो अपने अंदर, पैसे की तरफ मत देखो, पैसा तो एक दिन खुद तुम्हारे पास चल कर आएगा यार। तो ये उदाहरण मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें दिया 1 करोड़ रुपए वाला कि यार ये बंदा आज इतना ज़्यादा कमा रहा है लेकिन इतना सिंपल बन के रहता है कि भैया ये तो इसके पास तो मतलब कितना कमाता होगा जैसे नॉर्मल यूट्यूबर कमाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो जिनके 2-3 लाख सब्सक्राइबर हैं और जो शायद 40-50 हज़ार रुपये 60 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं, वो बहुत कुछ दिखाते हैं कि हमारे पास ये है वो है, लेकिन ये सिंपल सा बंदा यार कुछ भी नहीं दिखाता है और आराम से अपने वीडियोज़ बनाता है और छोटी छोटी बातों को हमारे साथ शेयर करता है जिससे लोग देखना भी पसंद करते हैं उसको। तो यार गाइज आप अपने कॉन्टेंट पर फोकस करो, आप व्यूज़ की चिंता मत करो, एक दिन ज़रूर व्यूज़ आएंगे आपके चैनल पर। और अगर आप ब्लॉग देखना पसंद करते हैं या फिर ब्लॉग बनाते हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक बात मैं आपको और भी बोलना चाहता हूं कि विकास जैक्सन के पास मैं जाने वाला हूं, जैसे कि आपको पता है कि वो भी डेली ब्लॉग्स बनाते हैं, तो उनके पास भी मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूं। अभी मेरी मतलब ये लगा लो कि 2-3 दिन के अंदर मैं वहां पर जयपुर में उनके पास चला जाऊंगा, तो आप वीडियोज़ का इंतज़ार करना, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और अगर हो सके तो कभी ना कभी यार भविष्य में मैं सौरभ जोशी से ही मिलूँगा, क्योंकि वो मेरे जस्ट गाँव के बगल वाले गाँव के हैं, लेकिन वो रहते हैं तुम्हें पता है हरियाणा में, तो हरियाणा रहता तो मैं भी हरियाणा में हूँ लेकिन वो काफ़ी दूर है यहाँ से, क्योंकि मैं बॉर्डर के पास रहता हूँ, हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर के पास, और वो मेन हरियाणा में रहते हैं, इसलिए थोड़ा जाना थोड़ा मुश्किल है यार। मेरे को एक एड्रेस भी पता नहीं है यार। अब विकास जैक्सन का ऐसा है कि वो भाई तो यार तुम्हें पता ही है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बंदा है, वो कहीं ना कहीं मेरे को बाहर मिल जाएगा, लेकिन यार उसके घर पे मेरे को पता नहीं है कहाँ मिलेगा क्या मिलेगा। लेकिन जब मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा ऊपर चला जाएगा ना, तो तब तो मैं उसका पता आराम से निकाल लूँगा भाई। तो
उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ऐसी प्यार बरसाते रहो। धन्यवाद।